मैं मनोज सिंह मेरे से आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ ट्रस्टी, यानी ट्रस्टीज को इंडिया ट्रस्ट एक्ट में कौन कौन से पावर दिए गए उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला जो उसका पावर है वो है जनरल अथॉरिटी ऑफ द ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट की जो जनरल अथॉरिटी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 36 इसमें लिखा हुआ है कि ट्रस्टी मे डू ऑल एक्ट्स व्हिच आर रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द रियलाइजेशन प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी and for the protection or support of a beneficiary who is not competent to act. His power or authority generally comes from the trust deed and the act. इसका मतलब ये होता है कि एक अपने कर्तव्य को करने के लिए ट्रस्टी को ये सेक्शन कुछ पावर देता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कर देता है। ट्रस्टी वो सारे कार्य कर सकता है जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी की वसूली के लिए, रक्षा करने के लिए या उसके लाभ के लिए उचित है। 36 के अंतर्गत कुछ पावर्स दी गई जनरल पावर्स कि वो सारे काम कर सकता है जो कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी के वसूली, रक्षा करने और लाभ के लिए उचित है। तो हम आपको बताते कि यह शक्ति ट्रस्ट डीड के द्वारा एक्सप्रेसली दी गई शक्तियों के अतिरिक्त, यानी ट्रस्ट डीड में कुछ और जो शक्तियां दी गई हैं तो वो तो उसके पास रहेंगी। उसके अलावा 36 की पावर्स ट्रस्टी को दी गई है। इस पावर और अथॉरिटी जनरली कम थ्रू द ट्रस्ट डीड एंड द ट्रस्ट एक्ट, यानी उसको कहां कहां से पावर मिलती है, ट्रस्ट डीड से मिलती है और इंडियन ट्रस्ट एक्ट से मिलती है। तो अगर ट्रस्ट डीड ट्रस्ट एक्ट से उसको पावर मिलती है, यानी ट्रस्ट डीड में अगर एक्सप्रेसली कोई पावर बताया गया तो वो करेगा ही, करना ही करना है, और अगर नहीं बताया गया है तो फिर तब भी वो इस धारा के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सीधे सी बात, जो धारा 36 के अंतर्गत पावर है वो उसकी ट्रस्ट डीड के पावर अलग से है। देखिए, बहुत और हम आपको बता दें कि धारा 17 के अंतर्गत ही है, यानी वो एक्स्ट्रा पावर है जो ट्रस्ट डीड में पावर उसके अलावा तो दिया ही गया है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू द सेक्शन 70 और वो सारे काम कर सकता है जो कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी की वसूली के लिए, रक्षा करने के लिए और उसके लाभ के लिए। अगला जो पावर है ट्रस्टी का है पावर टू सेल ट्रस्ट प्रॉपर्टी, वेयर द ट्रस्टी इज एम्पावर्ड टू सेल एनी ट्रस्ट प्रॉपर्टी ईदर टुगेदर और इन लॉट्स बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एंड ईदर एट वन टाइम और एट सेवरल टाइम्स अनलेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट अदरवाइज डायरेक्ट। इसका मतलब होता है कि अगर, यानी आप कह सकते हैं कि यह धारा तब लागू होती है जबकि ट्रस्टी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सशक्त किया गया, यानी यह धारा कब लागू होगी जबकि ट्रस्टी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी बेचने के लिए सशक्त किया गया। दूसरा बात, देखिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ट्रस्ट डीड में बता दिया जाए कि आपको इस तरीके से बेचना है, तब तुम एज पर डायरेक्शन ऑफ ट्रस्ट डीड बेचना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट डीड में कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो कैसे बेचेगा, सेक्शन 37 तब की चर्चा करता है। ठीक है, क्या चर्चा करता है कि वेयर द ट्रस्टी इज एम्पावर्ड टू सेल एनी ट्रस्ट प्रॉपर्टी ईदर टुगेदर और इन लॉट्स बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एंड ईदर एट वन टाइम और एट सेवरल टाइम्स अनलेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी अदरवाइज डायरेक्ट। अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी को ट्रस्ट डीड में कोई व्यवस्था है तो आप वैसे ही सेल करेंगे, अगर नहीं है तो 37 के अनुसार कर सकते हैं। 37 के अनुसार कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिए, वो टुकड़ों में बेच सकता है, एक साथ बेच सकता है, ऑप्शन में बेच सकता है या व्यक्तिगत संविदा करके बेच सकता है, जैसे भी चाहे बेच सकता है अगर ट्रस्ट डीड में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है तो। तीसरा पावर उसका है पावर टू सेल एंड रीसेल अंडर स्पेशल कंडीशन। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रस्ट ट्रस्टी विल सेलिंग द प्रॉपर्टी, पावर टू सेल एंड रीसेल अंडर द स्पेशल कंडीशंस। इसका मतलब यह है कि धारा 38 में ट्रस्टी को ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बेचने के रिगार्डिंग कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। ऐसी अवस्था में वह जब बेचता है तो टाइटल के रिगार्डिंग खुद उचित शर्तें लगा सकता है, उसे नीलाम के द्वारा खरीदने और इस प्रकार खरीदी गई संपत्ति को बेचने की भी शक्ति है। ट्रस्टी निश्चित प्रॉपर्टी में इम्पोज स्पेशल कंडीशंस ऑफ सेल एज मे बी रीजनेबल, तो टाइटल के रिगार्डिंग कुछ शर्तें लगाना चाहे तो लगा सकता है। ही मे बाय और रीसेल प्रॉपर्टी एट हिज discretion, which must be reasonable. इसका मतलब यह है कि नीलाम के द्वारा कोई संपत्ति खरीदता है, खरीद उसे नीलाम के द्वारा संपत्ति को खरीदने और इस प्रकार खरीदी गई संपत्ति को और रीसेल करने का भी राइट पा। अगला पावर है पावर टू कन्वे, पावर टू कन्वे का मतलब अभी हस्तांतरण करने की शक्ति। आपको पता है कि अगर संपत्ति के विक्रय को अगर कंप्लीट करना है तो उसका कन्वे करना भी हस्तांतरण करना जरूरी होता है।
बिना करने की कोई संपत्ति का सिर पूरा ही नहीं होता। इसलिए धारा 39 में ट्रस्टी को इस बात की शक्ति दे दी गई है कि वह बेची गई संपत्ति का आवश्यक तरीके से हस्तांतरण करे या कन्वे करे, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से उचित तरीके से कन्वे या अभिहस्तांतरण। अगली जो पावर है, पावर टू वेरी इन्वेस्टमेंट। तो देखिए धारा 40 जो चर्चा करती है विनियोजन के बारे में है। ट्रस्टी की इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, द ट्रस्टी मे वेरी द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्रस्ट, ही मे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस पावर इज सब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन कंटेन्ड इन द ट्रस्ट डीड। देखिए ट्रस्टी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस कर सकता है, फेरफार कर सकता है और वह सरकारी प्रतिनिधियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और ट्रस्टी की यह शक्ति ट्रस्ट डीड के अंतर्गत किसी निर्देश के अधीन है, यानी वो इन्वेस्टमेंट में फेरफार कर सकता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, लेकिन ऐसा वो करेगा कर सकता है लेकिन सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन अंडर द ट्रस्ट। ट्रस्ट डीड में अगर कोई डायरेक्शन इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है वो उसके अंतर्गत रहते हुए ही यूज करने का पावर उसके पास है। उसका पावर टू अप्लाई माइनस पावर टू अप्लाई माइनस प्रॉपर्टी, यह अगला पावर। देखिए धारा 41 उस बारे में चर्चा करती है कि जबकि ट्रस्टी ने ट्रस्ट प्रॉपर्टी माइनर के लिए धारण किया, और 41 किस कर्ज के बारे में चर्चा करती है, जबकि ट्रस्टी को प्रॉपर्टी होल्ड किया है ट्रस्टी ने माइनर के रिगार्डिंग, माइनर का मतलब ओएस होता है। तो ऐसी अवस्था में ट्रस्टी ओएस के भरण पोषण एजुकेशन मैरिज इत्यादि के रिगार्डिंग वो खर्च करेगा। एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं, ट्रस्टी ओएस के इंटरेस्ट के लिए चाहे तो खुद ही खर्च कर सकता है और चाहे तो खुद न खर्च करके वो जो धनराशि ओएस को ऊपर खर्च की जानी है उसके पेरेंट्स या गार्जियन को दे सकता है कि आप खर्च करिएगा। मतलब ये कब धारा लागू होती है, जबकि ट्रस्टी की जिम्मेदारी दी गई है किसी माइनर के रिगार्डिंग, तो ऐसी स्थिति में वो खुद भी खर्च कर सकता है माइनर पे और चाहे तो उनके पेरेंट्स या गार्जियन को भी दे सकता है कि आप। अगला जो राइट है पावर है उसका पावर है ट्रस्टी का, वो है पावर टू इश्यू रिसिप्ट, ये दिया हुआ है सेक्शन 42 में। धारा 42 में देखिए ट्रस्टी को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी धनराशि प्रतिभूति अथवा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो किसी ट्रस्ट या शक्ति के कारण या उसकी यूज में उसे दे है, हस्तांतरण योग्य हो अथवा प्रदान योग्य है, वो लिखित रिसिप्ट दे सकता है। इसका मतलब है कि धारा 42 में और ट्रस्टी को राइट दिया गया कि किसी भी धनराशि प्रतिभूति या अन्य चल संपत्ति के लिए जो किसी न्यास या फिर शक्ति की वजह से या शक्ति के प्रयोग में उसे देय हो, हस्तांतरण योग्य हो या प्रदान योग्य हो, लिखित पावती का मतलब रिसिप्ट दे सकता है। अंतिम जो पावर है पावर टू कंपाउंड। देखिए धारा 43 में कुछ कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग पावर्स दी गई है धारा 43 में, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, ये धारा तभी लागू होगी यदि एक से ज्यादा ट्रस्टी काम करता हो। तब इस धारा के लागू होने के लिए क्या जरूरी है कि एक से ज्यादा ट्रस्टी काम कर रहे हो ट्रस्टी को। तो धारा 43 क्या करती है, कुछ मामलों में कंपाउंडिंग इत्यादि को करने की शक्ति देती है। फिर से आपको बता दे रहे तभी लागू होगी जब एक से ज्यादा नहीं, वो क्या क्या कर सकता है ट्रस्टी। तो देखिए किसी ऋण के संबंध में कोई समझौता कर सकता है या किसी ऋण के लिए कोई गारंटी को एक्सेप्ट कर सकता है या किसी लोन के पेमेंट के लिए अगली पार्टी को कुछ समय दे सकता है कि थोड़ा समय और ले लीजिए पेमेंट कर दीजिएगा, या न्यास से संबंधित कोई लोन है तो उसके रिगार्डिंग कंप्रोमाइज कर सकता है, छोड़ सकता है, या पंच निर्णय के लिए भी समर्पण कर सकता है, या फिर इसके अलावा वो ये तीन काम कर सकता है, ऋण को के लिए कोई कंप्रोमाइज कर सकता है, गारंटी एक्सेप्ट कर सकता है, समय प्रदान कर सकता है, समझौता कर सकता है, छोड़ सकता है, या फिर पंच निर्णय के लिए कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ एक सदी न्यायधारी हो वहां उनमें से कोई संयुक्त रूप से कार्य करने के अतिरिक्त कार्य नहीं कर सकता, यानी उन्हें सब लोगों को मिलकर ही करना है, क्योंकि न्यायधारियों का ये प्राधिकार है, ज्वाइंटली है, संयुक्त है, पृथक नहीं। यानी जब कहा गया है कि एक साथ यूज करना है पावर का, तो एक साथ उस पावर को नहीं यूज करना है, मतलब कि कोई अकेला नहीं काम कर सकता, सभी लोग मिलजुल करके काम करें। लिखा हुआ है इसमें टू और मोर वर्किंग टूगेदर में अलाउ मोर टाइम ऑन एक्सेप्ट मोर टाइम और एक्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू। अगर कोई ड्यू है तो ठीक है, वो ज्यादा समय दे सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप माने कि वो मध्यस्थता के लिए समझ सकते हैं। इस प्रकार ये है पावर ऑफ द ट्रस्टी, जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रस्टी, पावर टू सेल प्रॉपर्टी, पावर टू सेल एंड रीसेल प्रॉपर्टी, पावर टू कन्वे
power to bend the spin, power to apply minus property, power to show the sip, and power to compound.